तो नेहा रोनित को डेट कर रही थी और डेट करते करते प्रेग्नेंट भी हो गई रोनित से। हाँ, अगर हाँ तो माथे पर किस करने से मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, तो ये बच्चा रोनित का है। ओके, तो ये बच्चा किसका है? के फॉर कबीर का। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिस रात कबीर और नेहा नशे में धुत लड़ रहे थे, तो लड़ाई कहाँ सुनी के अलावा भी कुछ हुआ था जो दोनों के जहन में तो है, पर उन्हें लग रहा था कि वो एक सपना था। तो मेरी कहानी का प्लॉट ये बना कि एक डिवोर्स कोरियोग्राफर पॉपुलर सोप स्टार रोनित को डेट कर रही है और प्रेग्नेंट हो जाती है, पर बच्चा रोनित का नहीं, उसके एक्स हस्बैंड कबीर का है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिविंग रिलेशनशिप में है पिया के साथ। तो इसे कहते हैं रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड एंड कर्मा इज अ बिच। नेहा और कबीर तलाकशुदा, रिलेशनशिप स्टेटस तो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड था, पर नेहा की प्रेगनेंसी के बाद कॉम्प्लिकेशन नेक्स्ट लेवल हो गया। जब नेहा ने अपने नए नए तरोताजा बॉयफ्रेंड रोनित को बताया कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चे का बाप उसका एक्स हस्बैंड कबीर है, तो रोनित के दिमाग में बस यही ख्याल आया कि साला सेकंड लीड को हीरोइन मिलने ही वाली होती है। पर तभी राइटर प्लॉट पॉइंट लेकर आ जाता है कहानी में, फिर क्लाइमेक्स तक का एंडलेस सस्पेंस एंड वेट कि हीरोइन किसे मिलेगी, सेकंड लीड मतलब मुझे या हीरो को। इतिहास गवाह है हिंदुस्तानी फिल्मों में कैसे सेकंड लीड का चूतिया काटा गया है लव स्टोरी के नाम पर। गर्लफ्रेंड मेरी और उसके पेट में बच्चा किसी और का। नेहा अलग नैतिक असमंजस में, ओके मॉरल डिलेमा में फंसी हुई है कि इस प्रेगनेंसी का क्या किया जाए, अबॉर्शन की बर्थ। जब कबीर को पता चलता है तो उसे नेहा से बड़ा झटका लगता है। नॉर्मली कबीर को लूज मोशन का प्रॉब्लम होता नहीं है, पर कबीर के लिए बड़ी समस्या ये नहीं है कि नेहा प्रेग्नेंट है, वो गर्लफ्रेंड पिया को क्या सफाई देगा जो उसके साथ पिछले 5 साल से स्ट्रॉन्ग लिविंग रिलेशनशिप में है, ऑलमोस्ट बीवी।